दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट हार्डवेयर प्लाईवुड टिम्बल टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पालमपुर के सीआरपीएफ में तैनात अशोक कुमार श्रीनगर आतंकी हमले में हुए शहीद। सुलह क्षेत्र के गांव देहरू के सीआरपीएफ जवान की पार्थिव देह आज गांव में पहुंच रही है। यह जानकारी एसडीएम धीमार विकास चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव देहरू के रहने वाले सीआरपीएफ में तैनात जवान अशोक कुमार श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहीद की शहादत पता लगा तो गांव शोक में डूब गया। शहीद अशोक की पत्नी सुषमा अपने दो बच्चों के साथ पिंजौर में रहती है, जबकि अन्य परिवार यहां देहरू में रहता है। पिंजौर से ही शहीद की पत्नी ने पति की शहादत की जानकारी परिवार वालों को दी। अशोक कुमार 2004 में भर्ती हुए थे। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की कोरोना रिपोर्ट के लिए अस्पताल में दिखी भीड़। सेना में भर्ती होने का सपना रखे युवा कोरोना रिपोर्ट लेने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह से ही अस्पताल के बाहर युवाओं का तांता लग गया और सभी कोरोना टेस्ट कराने के लिए बेताब दिखे। इतनी भारी संख्या में पहुंचे युवाओं को देखकर अस्पताल में आने वाले लोग व अस्पताल प्रशासन भी सकते में आ गया। भर्ती को लेकर युवाओं की भीड़ में अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। आए दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। पंचायत में बेचा नशा तो पंचायत ठोकेंगी 10,000 का जुर्माना। बैजनाथ उपमंडल की मझेरना पंचायत द्वारा पंचायत को नशा मुक्त करने का निर्णय लिया है। पंचायत की विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि मझेरना पंचायत में जो भी नशा संबंधित सामग्री या नशा संबंधित खाद्य पदार्थ बेचा पाया गया तो जहां उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, साथ में पंचायत से मिलने वाली सुख सुविधाओं से भी उसे वंचित कर दिया जाएगा। पंचायत द्वारा ये भी फरमान जारी किए गए हैं कि जो भी बीपीएल कार्ड धारक शराब पीता पाया गया या नशा गाली गलौज करता पाया गया उसे बीपीएल सूची से बाहर कर दिया जाएगा व पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। हिमाचल में डॉक्टरों को आपात स्थिति में ही मिलेंगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर सख्ती कर दी है। अब विभाग ने डॉक्टरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में ही डॉक्टरों को छुट्टी मिल सकेगी। प्रदेश के 4 जिले ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इन जिलों के सीएमओ के साथ संपर्क बनाए हुए है। सीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बीते एक सप्ताह में इन 4 जिलों में कोरोना के 100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। 1.5 महीने पहले प्रदेश में सक्रिय मामले 100 से नीचे थे, लेकिन आज प्रदेश में इनकी संख्या 1700 के पास पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा भी 1000 के पार हो गया है। मेडिकल कॉलेज में जल्द मिलेगी सीटी स्कैन सुविधा। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में अब जल्द रोगियों को सीटी स्कैन सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 128 स्लाइस की ये मशीन करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होनी है। करीब 1.5 साल पहले ठप पड़ी वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा अब जल्द रोगियों को मिलने लगेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एन के महिंद्रू ने बताया कि सरकार द्वारा नई सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए मंजूरी मिल गई है। 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगी। सरकार ने मंजूरी दे दी है 128 स्लाइस 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन लगाने की, जो लगभग 5 करोड़ के आसपास की है। सरकार ने इसको हमें आदेश भी दे दिए कि इसके ऑर्डर शीघ्र कर दिए जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 3-4 महीने के अंदर ये जो मशीन है इंस्टॉल हो जाए। हमारी सीटी स्कैन लगभग 1-1.5 साल से ख़राब थी, जो बीच बीच में हम ठीक कराते हैं, पर उसको ठीक कराने की लागत बहुत ज़्यादा अधिक थी। और हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में हमारी जो 128 स्लाइस वाली सीटी स्कैन मशीन है 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। हम आके देख गए हैं तो उन्होंने हमें बोला कि हम 3 महीने के अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे। हमारे पास जगह है लगाने के लिए, तो वो कंपनी वाले आके बोल रहे हैं कि हम 3-4 महीने में इसको इंस्टॉल कर देंगे। विकास कार्य के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले पंचायत प्रतिनिधि बैठे कुंडली मारकर।
चंबा जिला में विकास कार्य के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले पंचायत प्रतिनिधि व कर्मचारी 1.15 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठे हैं। रिकवरी के लिए विकास खंडों की ओर से कई बार रिमाइंडर भेजे गए, बावजूद इसके कुछ प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी ने भी रिकवरी भरने की जहमत नहीं उठाई। इनमें कई पूर्व प्रधान हैं, जबकि कई फिर प्रधान बने हैं। चंबा जिला के करीब 80% पंचायतों से 17 फरवरी 2021 तक 1.61 करोड़ की रिकवरी करनी थी। इस रिकवरी को जल्द भरने की बात पर आदेश देने के बाद भी अब तक 42.75 लाख की ही रिकवरी हो पाई है, जबकि 1.15 करोड़ की रिकवरी अभी भी पेंडिंग है। विकास खंड भरमौर में मात्र 26,000 रुपए की रिकवरी हुई, जबकि भटियात में 2.58 लाख, चंबा में 7.13 लाख, महला में 1.55 लाख, पंगी में 11.58 लाख, सलूनी में 18.48 लाख व विकास खंड तीसा 1.14 लाख की ही रिकवरी हो पाई है। ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटा बलकर, नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर बनेर शिव मंदिर के समीप गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे किरतपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहा एक बलकर ब्रेक छोड़ने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में बलकर चालक दर्शन सिंह निवासी मोगा पंजाब बुरी तरह घायल हो गया, जिसे PHC स्वारघाट की 108 एम्बुलेंस के माध्यम से स्वारघाट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चला हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना स्वारघाट की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बलकर नंबर HP 691259 किरतपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान स्वारघाट से बनेर के बीच जब बलकर उतराई में जा रहा था, तो शिव मंदिर के समीप ब्रेक छोड़ दी और कुछ ही दूरी पर बलकर सामने से आ रहे एक ट्रक के साइड देता हुआ किनारे पर पलट गया। हिमाचल में 4 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज को 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व में ही कोरोना को रोकने के लिए सख्ती करने की बात कर चुके हैं, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी संभावना जताई थी। हैरान करने वाला मामला आया सामने, तहसीलदार ने रिश्वत के 20 लाख को लगाई आग। हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान के सिरोही जिले से है, जहां भ्रष्टाचार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से बचने और सबूत मिटाने के लिए एक भ्रष्ट तहसीलदार ने रिश्वत में मिले करीब 20 लाख रुपए में आग लगा दी। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने बुधवार को पिंडवाड़ा के राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी पर्वत सिंह ने बताया कि रिश्वत की राशि वह पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के कहने पर वसूल रहा था। इसके बाद टीम तहसीलदार के आवास पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही तहसीलदार कल्पेश जैन को इसकी भनक। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं, ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। सरकाघाट के ग्राम पंचायत फतेहपुर में स्थित PHC विभाग कोरोना को दे रहा न्योता। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देख प्रदेश सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के चक्कर में है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगाने के एक साथ सैकड़ों लोगों को एक ही स्थान पर बुलाकर कोरोना को न्योता दे रही है। ऐसी ही एक मामला उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत फतेहपुर में स्थित PHC में गुरुवार को देखने को मिला। यहां सुबह से ही कोरोना का टीका लगवाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है, PHC के अंदर बाहर पांव रखने तक की जगह नहीं है। टीका लगवाने के लिए पहुंचे अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था, मगर एक साथ इतने लोग टीका लगाने के लिए पहुंच जाएंगे ये स्टाफ ने सोचा भी नहीं था। इसके चलते PHC के बाहर अव्यवस्था फैल गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।